है और ये पंचायत चुनाव 4 चरणों में संपन्न होने जा रहे हैं। आज की तिथि में चतुर्थ चरण में नामांकन दायर करने की आखिरी तिथि थी, उसके पश्चात नामांकन दायर करने से संबंधित कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स फाइनल हो जाएंगे। इसके पश्चात सब लोग कन्वेंसिंग करते हुए सीधे चुनाव में उतरेंगे। तो अभी हम लोगों ने कभी किया नहीं, शायद पंचायत निर्वाचन में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है इस राज्य में भी और बाकी आदि राज्यों को भी मिलाकर। आज मैंने एक आदेश पारित किया है जिसमें हम लोगों ने रामगढ़ ज़िले में जो पंचायत में 15 रामगढ़ जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 पत्रातू में जो जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन था उसको हम लोगों ने काउंटरमेंट कर दिया, प्रत्यादिष्ट कर दिया है। मतलब चुनाव की पूरी प्रक्रिया अवैध घोषित हो गई और इसमें अब चुनाव नहीं होगा। इस चुनाव की घोषणा कालांतर में की जाएगी और उसका कारण ये है कि हम लोगों ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की, रिपोर्ट्स मंगाई। जब हमें पता चला कि वहाँ पर वातावरण कंडीसिव नहीं है और धमकियाँ दी जा रही हैं लोगों को चुनाव लड़ने से, वहाँ पर 10 कुल नामांकन पत्र बिके थे लेकिन अंतिम दिन तक एक कैंडिडेट ने नामांकन दायर किया जिनका नाम था कुमार निशांत, और उन्होंने रिपोर्ट्स में कंफर्म हुआ, मैंने ऑब्जर्व की रिपोर्ट भी ली, बाकी कैंडिडेट्स को थ्रेट किया और धमकी दी और किसी को दायर नहीं करने दिया गया। और जब अंतिम समय निकल गया तो इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट ही एक अकेले कैंडिडेट बचते और निर्विरोध निर्वाचित हो जाते। तो ऐसा व्यक्ति जिला परिषद का अध्यक्ष भी बन सकता है जो मेंबर बने, ऐसा व्यक्ति जिला परिषद का अध्यक्ष भी बन सकता है क्योंकि मेंबर ही जिला परिषद का अध्यक्ष बनता है। तो इस आधार पर ये जांच करने के पश्चात और पूर्णतया इसमें मैं आपसे बता दूं कि जो हमारा भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 है उसके अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण का पूर्ण अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है और ये आयोग का दायित्व तो है कि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हों। भय दिखलाकर अथवा जबरदस्ती कर किसी योग्य व्यक्ति को चुनाव में भाग ना लेने देना निर्वाचन प्रक्रिया में एक गंभीर व्यवधान है जो निर्वाचन को निष्पक्ष व स्वतंत्र होने से रोकता है। इस मामले में हम लोगों ने पत्रांक 234 दिनांक 22/2/2022 के द्वारा सभी को निर्देश भी भेजे थे और इस मामले में आरपी एक्ट में भी प्रावधान किया गया है कि ऐसा करना अपराध है। हमारा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अध्याय 4 के अंतर्गत जो सेक्शन 66 है धारा 66 उपधारा 5 है उसमें लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान पर या संप्रेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर, ऑब्जर्वर जो रिपोर्ट भेजता है, कि परीक्षा पर या पंचायत निर्वाचन में अनियमितताओं के अभिकथनों की प्राप्ति पर समुचित कार्रवाई प्रारंभ करने का विवेकाधिकार होगा और ऐसी कार्रवाई में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करना, निर्वाचन स्थगित करना और मतगणना को स्थगित करना सम्मिलित हो सकता है। तो इसी कानून के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो रिपोर्ट आई है, पुलिस पदाधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है, जो बयान लिए हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने इसको निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट कर दिया है। और अब इसमें ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम लोग पता हो रही है कि इसमें पूरे राज्य में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है और ये दिखाता है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है इस राज्य में बहुत ही स्वस्थ है और लोग बहुत ही उत्साह के साथ इस निर्वाचन में भाग ले रहे हैं। जो प्रथम 3 चरण में अभी तक 3 चरणों में 104,740 व्यक्तियों ने नामांकन करके दायर किया है जिनको फाइनल कैंडिडेट्स जो हुए हैं, निर्देशन पत्र जितने भी हमारे दायर हुए हैं। तो इसमें प्रथम चरण में
39,000 थे, 39,424, वो हम आपको एग्जैक्ट डाटा भेज देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपडेट कर देंगे। दूसरे चरण में 29,340 थे, तीसरे चरण में 35,976 थे, तो 1,00,000 से ज़्यादा हो गए। और चौथे चरण में अब ऑलरेडी 31,845 लोग हैं। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। लेकिन एक और बात बता दें कि हम लोग इस मामले में बहुत कड़ाई करना चाहते हैं और आगे से और ज़्यादा कड़ाई होगी कि आदर्श आचार संहिता का पालन हो और चुनाव पूर्णतया निष्पक्ष, मैं बल्कि शांतिपूर्ण से ज़्यादा चाहता हूँ कि निष्पक्ष और शुद्ध ढंग से, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जिस पे लगे कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है वो विधि सम्मत ढंग से नहीं हो रही। इसी आलोक में हम लोगों ने देखा कि पहले तो पाकुड़ प्रखंड में मुखिया के पद हेतु जो कालिदासपुर में मुखिया की मृत्यु हो गई, एक कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी जब प्रपत्र 9 के प्रकाशन के बाद, तो जैसा कि विधि में प्रावधान है वो चुनाव रद्द कर दिया गया है, वो निर्दिष्ट कर दिया गया है, काउंटरमेंट कर दिया गया है, वो प्रत्यादिष्ट कर दिया गया है मुखिया पद का चुनाव मृत्यु होने के कारण। लेकिन जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदु और हैं इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर या बाकी सूचनाओं के आधार पर जो मुझे मिल रहे हैं, उससे मैंने आज राज्य सरकार के पदाधिकारियों को बुलाया था और उनको पत्र भी भेज रहा हूँ, राज्य सरकार को अवगत करा दिया है जो हमारी चिंताएँ हैं, विशेष रूप से जो विधि व्यवस्था को लेकर हैं, जो वामपंथी उग्रवाद के द्वारा कुछ कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि उनसे व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर जो भी हमारे ज़िले के निर्वाची पदाधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, उनके द्वारा जो भी मांग की गई है उस पर ध्यान देने के लिए और थोड़ा कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमने राज्य सरकार को आज बुला के इससे अवगत भी कराया है कि आगे बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अच्छी से अच्छी तरह से संपन्न। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।